नमस्कार, मैं आरके सक्सेना मास्टर माइंड कोचिंग दीवा मध्य प्रदेश। और कल आपका एमपी पीएनएसटी जीएनएम का रिजल्ट आ गया है, जी हाँ, 2024 का। और बहुत सारी बच्चियों ने दोनों एग्जाम दिए थे आपके, और इन बच्चियों ने आपका एएनएम का एग्जाम भी दिया था। ज़्यादातर बच्चियों ने, 80% से अधिक बच्चियों ने आपका एएनएम का एग्जाम भी दिया था। तो ऐसी बच्चियां जो कुछ नंबरों से पिछड़ रही हैं आपके पीएनएसटी जीएनएम में, तो ऐसी बच्चियां मैसेज बॉक्स में ये हमको मैसेज कर रही हैं कि सर, एएनएम 2024 का रिजल्ट कब आएगा। तो इस पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे आज, और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये रिजल्ट आपका कब आ सकता है। तो यदि हम देखें तो जो पीएनएसटी का एग्जाम बाद में हुआ था 9 से लेकर के 13 सितंबर तक, जबकि एएनएम का एग्जाम इसके पहले आपका 2 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के दौरान हुआ था। इस प्रकार से एग्जाम पहले हुआ था, लेकिन इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो कब आ सकता है इसका रिजल्ट, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। और एक बात हम और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बच्चियाँ बहुत सारे हमको मैसेज कर रही हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर रही हैं, और वही क्वेश्चन पूछ रही हैं, जो क्वेश्चनों का जवाब हम इस जो वीडियो बनाया था हमने, आपका पिछला वीडियो, हमारा जो लेटेस्ट पिछला वीडियो है, तो उसमें वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हैं और फिर बहुत सारे तर्क कर रही हैं। इसके कारण से, काफ़ी समय ना होने के कारण से, मैं उनके जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि उस वीडियो में देखें, और आपके यदि सवाल के जवाब मिल रहे हैं तो आप इस तरह के सवाल ना करें। तो काउंसलिंग वगैरह आपकी स्टार्ट होने वाली है, जैसा मैंने कहा था उस वीडियो में कि बस एक दो दिन में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो उसको आप देखेंगे, देखिएगा काउंसलिंग में क्या क्या हमको करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट हमको लगाना है, ये सभी बातों पर हम जो है वो डिटेल से अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें। आज हमारा प्रश्न उन बच्चियों के लिए है जो जिन्होंने एएनएम का एग्ज़ाम दिया था, अब उनकी भी बच्चियाँ नहीं बढ़ गई है। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी कम नंबर आ रहे हैं आपके पीएनएसटी में, तो वो एएनएम से आसान्वित हैं। तो ऐसी बच्चियाँ ही हमसे जो है वो क्वेश्चन कर रही हैं कि सर, एएनएम का रिजल्ट कब आएगा। तो जिस तरह से बड़ी जल्दबाजी में आपका पीएनएसटी जीएनएम 2024 का रिजल्ट आया है, उसी तरह से यदि हम देखें तो इसके लिए भी गाइडलाइन है आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, कि जो भी तमाम नर्सिंग टाइप के एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यदि जिस ईयर के एग्जाम है वो उस ईयर के 31 अक्टूबर के पहले जो है वो प्रोसीडिंग पूरी करनी है, एडमिशन वगैरह कंप्लीट करने हैं। तो हम फिर कहेंगे कि ये उल्टी गिनती शुरू है, थोड़ा सा लेट है पीएनएसटी की तुलना में एक रिजल्ट इसका, लेकिन इसका रिजल्ट आपका जो है वो जल्दी ही आएगा। हो सकता है कि कल आ जाए, कल शाम तक आ जाए। तो बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल धैर्य बनाए रखे रहें। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां जिनने हमको नंबर बताए हैं, आपके पीएनएसटी के नंबर ही बताए हैं और एएनएम के नंबर ही बताए हैं, तो कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके एएनएम में जो है वो अच्छा स्कोर कर रही हैं, जबकि पीएनएसटी में उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। तो पीएनएसटी का रिजल्ट आ चुका है, एएनएम का रिजल्ट भी बस आने वाला है, उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि इसको भी आपका ईएसबी नहीं लिया था, और संभवतः जल्द ही, बहुत जल्द ही आपका एएनएम का रिजल्ट भी आपके सामने होगा। और उसमें क्या कटअप जा सकता है, मैंने पिछला एक बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था आपका, क्योंकि हमने एग्जाम में, एएनएम के एग्जाम में मैं सेंटरों पर गया था, बच्चों से बात की थी, कितने नंबर तक आ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है, उन बातों के आधार पर हमने जो है एक कट ऑफ बनाया था आपका, आपने शायद देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो आप वीडियो में जा करके जो प्लेलिस्ट, वो लिस्ट है आपकी, वीडियो लिस्ट है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। तो कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, एएनएम में सीटें कितनी हैं, तो अभी ये स्पष्ट नहीं है। जैसे ही एएनएम की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मध्य प्रदेश के जो एएनएम जैसा कोर्स संचालित करते हैं, तो उनकी लिस्ट भी आ जाएगी, तब हम सीटों की संख्या भी स्पष्ट कर सकेंगे। और एक बार हम एएनएम का
भी जो है वो इस तरह से हमने पीएनएसटी रिजल्ट के बारे में काफी विश्लेषण किया, काफी मेहनत की और लगभग हमको ये उम्मीद है कि हम कट ऑफ तक जो है वो पहुंच चुके हैं कि कितने नंबर, अगर आपकी रैंक आ रही है, नंबर नहीं अब रैंक आ रही है, तो उस रैंक के आधार पर आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। तो बच्चों को ये भी क्वेश्चन है कि सर कितने नंबर तक प्राइवेट क्वेश्चन मिल, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, इस पर वीडियो बनाइए। तो हम इस पर निसंदेह रूप से एक हम वीडियो बनाएंगे, आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपके लिए नया चैनल है। और एक शिकायत हमको ये भी है कि हमारे व्यू तो काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी बच्चियाँ देख रही हैं और उनको जानकारी भी मिल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लाइक नहीं कर रही हैं, क्योंकि लाइक की संख्या काफ़ी कम है। तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो भी आपके अपडेट हैं, चाहे आपका एनएम के रिजल्ट के बारे में है, एनएम की काउंसलिंग के बारे में, या आपका जो पीएनएसटी 2024 आपका उसकी काउंसलिंग आपकी जल्द ही स्टार्ट होगी, हो सकता है एक दो दिन में ये स्टार्ट हो जाए, तो उसमें क्या प्रोसीडिंग होगी, क्या प्रक्रिया होगी और कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से कॉलेज कर रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं DHS और DME के, तो इनमें से कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रीवा वाला कॉलेज, यदि काउंसलिंग बहुत जल्दी हो जाती है तो जो रीवा का शासकीय नर्सिंग कॉलेज है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और उससे उसका परिणाम क्या होगा कि 120 सीटें हैं उसमें, काफ़ी सीटें हैं। इसी तरह से 2 से 3 कॉलेज आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जिनमें CBI जाँच में जो है वो कुछ कमियाँ पाई गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जिस तरह की बातें की गई थी। तो मुख्य मुद्दा हमारा वीडियो का आज उद्देश्य यही है कि आपने अगर NM 2024 का एग्जाम दिया है तो बस कुछ ही दिन का वेट कर लें, हो सकता है एक दो दिन का वेट करना पड़े आपको, इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी आएगा। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, और मैं RK सक्सेना यहाँ पे मास्टरमाइंड कोचिंग नाम से एक कोचिंग संचालित करता हूँ, छोटी सी कोचिंग है MP लेवल की, और इसमें हमने जो है वो नर्सिंग को लेकर के हमने नए डॉपर बैच स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास जो है वो नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसमें शुरू स्तर की बच्चियाँ आती हैं, उनके उतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, उनको फेस टू फेस जो है वो देखना पड़ता है, तभी वो पढ़ाई कर पाती हैं, छोटी छोटी बातों में घबरा जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं, तो इसलिए हमने ऑफलाइन ही क्लास चला रहे हैं। फैकल्टी बेशक आपकी जो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से MBBS फैकल्टी हमारे पास आती है, और टेस्ट सीरीज भी हमने रखी है बकायदा आपके लिए, और बुकों की आपको लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आप बुकों के लिए भटके नहीं, जो हम आपको नोट्स के रूप में दे रहे हैं वो हमारा पर्याप्त मैटर है, और उस मैटर को यदि आप ईमानदारी से 100% दे करके पढ़ाई करते हैं तो बच्चियाँ सफल भी हो रही हैं। अभी रिजल्ट आया है, हमको करीब 10 से 12 बच्चियाँ इतने स्कोर उनके आ रहे हैं कि उनको जो है वो कॉलेज मिल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। हमने कुछ बच्चियों को हमने उजागर भी किया है, हमारा जो है वो इसमें आपको मिलेगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके सामने उस बच्ची का नाम भी आएगा। तो 10 से 12 बच्चियां इस तरह की मिल रही हैं, हम निरंतर बच्चियों से संपर्क कर रहे हैं, बच्चियाँ खुद भी हमसे संपर्क कर रही हैं और अपना स्कोर कार्ड और अपने नंबर और अपनी रैंक बता रही हैं, तो हम इसका भी आपको जो है वो शीघ्र ही सफल बच्चियों से हम आपका इंटरव्यू भी इसी चैनल में देंगे कि उनमें क्या खासियत थी और आप में क्या कमी रह गई जिसके चलते वो आज सफल हैं और आप सफलता से थोड़ा सा पीछे हैं। तो निसंदेह रूप से हमारे ये इंटरव्यू काफ़ी प्रेरक होते हैं और हम बड़े ही पैने ढंग से कई ऐसे सवाल करके और उन बच्चियों से उनकी जो प्रतिभा है जिसके कारण से आज वो सफल हैं उन तक हम जो है वो पहुंच जाते हैं, एक प्रकार से अपने मुँह से बयान करती हैं, और हम इसका फायदा जो है निसंदेह रूप से उन बच्चे बच्चियों को होता है जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से एक्सपीरियंस मिल जाता है और अगला कदम उनका जो है वो सफलता की ओर ही होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर बताइएगा, और आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम कोई नई लेटेस्ट जानकारी, हो सकता है कि हमारा कल हम एक वीडियो बनाए जिसमें बच्चियां जो सफल हुई हैं या जो क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई मार्क्स ला रही हैं, तो उनका अगला स्टेप जो है वो काउंसलिंग होगा, और उस काउंसलिंग को कैसे करना है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है,
और पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे कि काउंसलिंग क्या होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग दीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।